दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। दोस्तों ये वीडियो मैं अपने एक व्यूअर की डिमांड पे बना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि प्लीज़ इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आखिरकार ये रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में आज बात करेंगे कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, व्हाई एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन नाउडेज। सो इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी 2 साल पहले जब SSC का पेपर हुआ था तो SSC ने इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर किया था। SSC ने मेंशन किया था कि जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होगा या डिक्लेयर होगा वो आफ्टर रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं या होने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड व्हेन एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस दिस पॉइंट कि व्हाट इज़ रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन, व्हाई रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन इज नीडेड एंड व्हाई वाज नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इंट्रोड्यूस एंड डज नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट एंड विन एग्जाम इन विच एग्जाम हैज़ नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर मेजर इफेक्ट ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। सो एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया और किस तरह के एग्जाम में बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होता है जनरली गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कंसिडर किया जाता है, जैसे SSC हुआ, रेलवे के एग्जामिनेशन हुआ। बट अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, कॉलेज की लेवल की बात करें तो बहुत कम ही ऐसी जगह होंगी जहां पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इंट्रोड्यूस किया जाता होगा। ये बेसिकली रिलेटेड है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से। तो बात करते हैं दोस्तों कि व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए क्या होता है कि आजकल जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं वो मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं क्योंकि सरकार के पास इतनी सुविधाएँ नहीं होती हैं कि एट ए टाइम वो 1 लाख या 10 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एट ए टाइम कंडक्ट कर सके। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम लेते हैं और वो 10 शिफ्ट में हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका पेपर का लेवल सेम हो। मीन्स किसी शिफ्ट में पता चलता है कि पेपर बहुत इजी था, किसी शिफ्ट में पेपर टफ था। सो नाउडेज ए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट द सेम डिफिकल्टी लेवल फॉर एग्जामिनेशन इन दी ऑल द शिफ्ट। मीन्स अगर SSC का पेपर अगर 10 शिफ्ट में हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर शिफ्ट में जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है। हो सकता है कुछ में आपका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ईजी है, कुछ में टफ है पेपर, कुछ में पेपर ईजी है। तो समटाइम इट्स हैपन। सो इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट मार्क्स स्कोर करते हैं तो उनका मार्क्स वेरी करता है ड्यू टू शिफ्ट ओनली, बिकॉज किसी शिफ्ट में पेपर ईजी था तो उसमें जो कैंडिडेट का स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा। अगर किसी शिफ्ट में पेपर टफ है तो उसमें स्कोर उसका कम होगा। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एग्जामिनेशन कमेटी उसने डिसाइड किया कि हम 70 पे बच्चों को क्लियर करेंगे तो सपोज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर ईजी था तो बच्चों ने 70 स्कोर कर लिया। अगर मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट में पेपर टफ है और बच्चे 50 या 60 स्कोर कर पाए तो फिर तो सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हुए, जो कि ये गलत है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया। सो ड्यू टू विच द मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट शिफ्ट वेरी। नाउ द चैलेंज इज हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नॉर्मलाइजेशन। सो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि अगर वेरियस शिफ्ट में कोई भी पेपर हो रहा है तो उसके मार्क्स को हम नॉर्मलाइज कर सकें ताकि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो, किसी भी कैंडिडेट की नुकसान ना हो। क्योंकि ये बार बार कंप्लेन स्टूडेंट की आती है कि भाई इस शिफ्ट में पेपर ईजी था इसलिए उनकी रैंक हाई गई है, इस शिफ्ट में पेपर टफ था इसलिए रैंक लो गई है या मार्क्स कम हुए हैं। तो इस सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। सो नॉर्मलाइजेशन इज टू बी डन बाई कंसिडरिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ इच सेट सिंस द क्वेश्चन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट सेट एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर सेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर सेट।
तो दिस इज ट्रू। अगर हम कोई पेपर 10 शिफ्ट में करवा रहे हैं तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट में पेपर इजी हो, किसी में टफ हो, किसी में बच्चे ज़्यादा स्कोर करें और किसी में कम करें। तो बेसिकली इन सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया। नॉर्मलाइजेशन का मेन वर्क क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू एडजस्ट वैल्यू मेजर ऑन ए डिफरेंट स्केल टू ए कॉमन स्केल। कहने का मतलब है कि मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 17 नंबर पासिंग मार्क है और सपोज किसी एग्जाम में दिया गया है कि आपका कट ऑफ 70 मार्क्स है। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर बहुत टफ आया, किसी बच्चे ने 70 स्कोर ही नहीं किया। सेकेंड में पेपर बहुत इजी आ गया, हर बच्चा 80 स्कोर किया। तो इस केस में क्या होता है, मार्क्स को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि फर्स्ट शिफ्ट से भी बच्चे एलिजिबल हो सकें और सेकेंड शिफ्ट से भी बच्चे एलिजिबल हो सकें, देन रिजल्ट तैयार होता है। सो इट इज़ डन टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एग्जाम पैरामीटर एंड एम टू एडजस्ट द डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी था और सेकेंड का टफ था तो दोनों पेपर को एक स्टैंडर्ड प्राइमरी पैरामीटर पर मेजर किया जाता है और देन मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि दोनों शिफ्ट के कैंडिडेट को हम उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज कर सकें, देन रिजल्ट आपका आउट होता है। जैसे एज एग्जांपल लास्ट ईयर एसएससी कंडक्टेड टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन इन मोर देन 40 शिफ्ट एंड द लॉट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस शिफ्ट्स वेयर कंपेलिंग अबाउट अनइवननेस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड इट वॉज अनफेयर टू इवेल्युएट देयर रिजल्ट एज इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट टू लाई इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। बात सही है, क्योंकि देखिए अगर एसएससी ने 40 शिफ्ट में एग्जाम किया, किसी शिफ्ट में पेपर इजी है और किसी में टफ है, तो ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो है नहीं। और ये तो स्टूडेंट को लगता है उसके साथ चीटिंग हुई है कि क्यों नहीं वो उस शिफ्ट में पढ़ा जिस शिफ्ट में पेपर इजी था, ताकि वो इजीली अपना मार्क्स स्कोर कर सकता था। इन्हीं सारी कंप्लेन को अवॉइड करने के लिए रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल द एवरेज मार्क स्कोर बाई स्टूडेंट इन फर्स्ट शिफ्ट वेयर 1110 आउट ऑफ 200 एंड इन द सेकेंड शिफ्ट स्टूडेंट वेयर एबल टू स्कोर 125 आउट ऑफ 200। द रीजन वॉज डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, हैंस द कैंडिडेट्स वेयर अनएबल टू स्कोर मोर देन इन सेकेंड शिफ्ट। ये एग्जाम्पल है कि 200 का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने 110 ही स्कोर किया और सेकेंड शिफ्ट ने 125 स्कोर किया। रीजन क्या था कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो डिफरेंट था। देन इस केस में क्या होता है, मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे दोनों शिफ्ट को रखा जा सके, देन वी कैन डिक्लेयर द रिजल्ट। सो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूजेज ए फॉर्मूला फॉर इवेल्युएटिंग द स्कोर एंड हाउ एवर इट डिपेंड अपॉन द कमीशन दैट विच फार्मूला इट यूजेज। इट डिपेंड करता है कि जो भी हमारी एग्जामिनेशन बॉडी है, चाहे एसएससी की हो, चाहे आरआरबी की हो, चाहे गेट की हो, सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। बाई यूजिंग दैट फार्मूला दे कैलकुलेट और या दे नॉर्मलाइज द मार्क्स। तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फार्मूला ये यूज कर रहे हैं, इस टोटली डिपेंड उन पर करता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक फार्मूला दिया हुआ है, ये बेसिकली फार्मूला एसएससी में यूज होता है और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दे कैलकुलेट दी मार्क्स नॉर्मलाइज कि कितने मार्क्स के द्वारा स्कोर को नॉर्मलाइज करना है। तो यहाँ पे इसके पैरामीटर हैं जो आप समझ सकते हैं। MIZ का मतलब होता है नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ जे कैंडिडेट इन दी आई शिफ्ट। सो हियर आई इज प्रेजेंटिंग शिफ्ट। तो जब आप इसको डिटेल से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज। तो बेसिकली कहने का मतलब है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक रिजल्ट को एक पैरामीटर पे सेट करना ताकि किसी भी कैंडिडेट का इससे नुकसान ना हो। नाउ व्हाई रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन इज नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सम एस्पिरेंट्स विथ हार्ड लक हैपन टू फॉल फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट इन द एग्जाम, वेयर एज सम अदर एस्पिरेंट्स गेट एन ईजी लेवल क्वेश्चन सेट comparatively, therefore this bring a disparity and cause muddling in the mindset of the candidate in final exam merit, thus begetting a dissatisfaction and
इम्प्योरिटी इन द कमीशन, दैट्स वाई नॉर्मलाइजेशन इज नीडेड। क्योंकि होता है किसी स्टूडेंट का हार्ड लगे कि उसके पेपर टफ आ गया, किसी का हार्ड लग बहुत अच्छा है कि उसको इजी पेपर मिल गया, तो ये डिस्पैरिटी होती है। क्योंकि भाई आपका पेपर सेट अगर डिफरेंट है, लेवल भी डिफरेंट है, तो डेफिनेटली जो बच्चा स्कोर करेगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायर्ड हुई और इसलिए नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया गया। नाउ नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स मीन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन डिफरेंट टाइमिंग सेशन टू ए सर्टेन नंबर। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चों के या तो नंबर बढ़ाए जाते हैं या घटाए जाते हैं बाय सम नंबर, ताकि उनको नॉर्मलाइज किया जा सके। बाय दैट इट मे स्टूडेंट हु हैव स्कोर 30 मार्क इन ए सेशन 1 बिकॉज ऑफ हार्ड लेवल ऑफ एग्जाम विल गेट 60 मार्क्स। सिमिलरली स्टूडेंट हु हैव स्कोर 90 मार्क्स विल आल्सो बी मार्क्ड एज 60 मार्क फॉलोइंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। मीन्स आप देखिए, अगर फर्स्ट अपने बच्चे ने 30 मार्क्स स्कोर किया है और सेकेंड में 90 किया है, तो 30 को 60 कर दिया जाता है और 90 को 60 तक लाया जाता है, रिड्यूस नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि एक कुछ नंबर से इसको नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि बोथ रिजल्ट शुड बी सेम अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि मान लीजिए फर्स्ट सेशन में किसी ने 30 मार्क्स स्कोर किया एंड बिकॉज ऑफ हार्ड लेवल ऑफ एग्जाम, एंड सिमिलरली किसी स्टूडेंट ने सेकेंड शिफ्ट में 90 मार्क्स स्कोर किया, तो क्या होगा, 30 मार्क्स को एज कंसीडर 60 एंड 90 मार्क्स को एज कंसीडर 60। मीन्स बाय रिड्यूसिंग सम नंबर नॉर्मलाइजेशन विल डन। सो यहाँ भी एक एग्जांपल है, आप इसको पॉज कीजिए, ध्यान से पढ़िए, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन इज नीडेड। नाउ व्हाई वाज नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इंट्रोड्यूस। द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स वाज इंट्रोड्यूस बिकॉज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अ वेरियस शिफ्ट इन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट हु हैज अपीयर्ड इन फर्स्ट सेशन और शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन माइट हैव स्कोर लो मार्क्स। हाउएवर, द सेम स्टूडेंट वुड हैव स्कोर मोर और इवन हायर मार्क्स इफ ही हैड अपीयर्ड इन एनी ऑफ द लेटर शिफ्ट ऑफ द सेम एग्जामिनेशन। टू इराडिकेट दिस डिस्क्रिपेंसी, द एग्जाम कंडक्टिंग गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन एग्जाम। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स वॉज इंट्रोड्यूस। सो दस नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट। सो इन टर्म ऑफ एक्चुअल स्कोर, द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन वुड लीड टू डिक्रीज इन द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड हायर इन द एग्जामिनेशन। हाउएवर, सच कैंडिडेट शुड नॉट वरी अबाउट देयर स्कोर बिकॉज दे वुड हैव क्लियर देयर एग्जाम and they should just follow the next step in their selection process. So basically, इसमें क्या होता है, जो student higher marks score किए हैं उनके marks में थोड़ा सा reduce किया जाता है एक standard parameter तक। हाँ, but उनके score पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि they have clear all the examination, so they no need to worry about that particular thing. Similarly, a student who think they might have scored less but would have received higher marks should not be stunned. They should understand that their actual result varied because of normalization of marks and following their next step to selection process. So basically, whatever result is displayed that is not actual, that result after normalization. So the most recent announcement has been made in SSC 2018 examination. Marks of student appearing for SSC Tier 1 and Tier 2 exam would be normalized if they conducted in different shift. तो basically जैसे कि मैंने starting में ही बताया था कि SSC 2018 में उन्होंने एक notification निकाला था कि अगर exam more than 2 shift में होता है तो उस score को normalize किया जाएगा। अगर हम apart from SSC की बात करें तो जैसे railway exam, IBPS exam, बेसिकली ये भी आपके स्कोर को नॉर्मलाइज करते हैं। सो नाउ दिस इज लास्ट टॉपिक, व्हाट आर द मेजर इफेक्ट ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। सो हियर आर सम मेजर इफेक्ट कॉज ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स।
सो स्टूडेंट हु थिंक दे हैव स्कोर द मिनिमम मार्क्स इन दियर शिफ्ट माइट रिसीव हायर स्कोर एंड स्टूडेंट हु हैव यू थिंक दे माइट हैव स्कोर हाई मार्क्स वुड एक्चुअली गेट लोअर नॉर्मलाइज मार्क्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट वुड बिकम मच फास्ट एंड ईजियर प्रोसेस फॉर ऑल द गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया स्टूडेंट हु हैव अपियर इन एग्जाम विथ डिफिकल्ट एंड ईजियर लेवल वुड नाउ बी कंसिडर ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म एंड देर विल बी नो डिसरिगार्ड ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट शिफ्ट सो इट कैन बी सेड दैट नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स वुड हैव ए ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन ऑल द अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट नो नीड टू वरी अबाउट देयर स्कोर बिकॉज वट एवर स्कोर दे आर गेटिंग दैट इज नॉट एक्चुअल दे आर गेटिंग देयर स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो होप यू अंडरस्टैंड वट इज प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन वट इज नॉर्मलाइजेशन हाउ नॉर्मलाइजेशन इज डन एंड वाई इट इज रिक्वायर्ड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू